गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इंडिया क्रिकेट 0.2 पर। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अध्ययन आपको कराने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से रूल है, इन सबको जानने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं जब किसी भी वाक्य को एक ग्रामेटिकल नियम से दूसरे ग्रामेटिकल नियम में इस प्रकार बदल दिया जाए उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यह कई विधियों से बनाया जाता है, कई इसमें रूल है, कई एडवर्ब टू का प्रयोग होगा, यूजिंग टू का प्रयोग होगा, तो हर एक टाइप्स को हम क्या करेंगे, अध्ययन आपको कराएंगे। ठीक है, वीडियो को बने रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो भेजी जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू होने वाला है आपका महामैराथन की क्लास शुरू हो चुकी है, यहाँ से आप लोगों को आने वाली परीक्षा जो है आपकी बोर्ड परीक्षा उसको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसका आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ होगा। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक छोटे से उदाहरण से करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें, ध्यान दीजिएगा, ही इज ए पुअर मैन, ये सेंटेंस आपको मिल गया, ही इज ए पुअर मैन। अब इसको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब वह एक गरीब आदमी है। इस वाक्य को दूसरे वाक्य में इस प्रकार बदल दिया जाए कि इसके अर्थ में परिवर्तन न हो, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब इसको देखिए, इसको आप लिखेंगे तो ऐसे बन सकता है, देखिए ही इज नॉट ए रिच मैन। अब देखिए पहला अर्थ हुआ कि वह एक गरीब आदमी है, दूसरा अर्थ हुआ कि वह एक धनी आदमी नहीं है। तो जब धनी आदमी नहीं है तो क्या है, गरीब है, तो दोनों के अर्थ में कोई अंतर हुआ नहीं, तो इसी को कहेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वाक्य को दूसरे वाक्य में इस प्रकार बदल दिया जाए ग्रामेटिकल नियम से कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वही होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तब बना कैसे है, देखिए पुअर क्या है ये, और ये हो गया आपका रिच हो गया, ये क्या है एंटोनिम्स है, विलोम है। तो नॉट प्लस एंटोनिम्स, यानी ये जो सेंटेंस बना है किसके द्वारा बना है, नॉट प्लस एंटोनिम्स विलोम के द्वारा ये सेंटेंस बनाया गया है जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक छोटा सा आपको उदाहरण हमने दिया हुआ है, इसी को कहेंगे क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लास की अब शुरुआत करते हैं हम, और आप कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि हर एक पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। नोट करेंगे ठीक है तो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका नियम है एडवर्ब टू, है पहला टाइप वन है एडवर्ब टू, यानी किसी भी वाक्य में टू के बाद टू आ जाए, यानी कि टू के बाद क्या आ जाए, टू आ जाए, तो हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसे हम रिमूव टू भी कहते हैं और यह जो आपके पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं और आएंगे भी इस साल भी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एडवर्ब टू अगर सेंटेंस में आता है या टू के बाद टू या फार आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूल आप देख लीजिए क्या करेंगे कि जो टू है, ठीक टू के बाद, सॉरी यहां पर लिख दीजिए टू के स्थान पर, टू के स्थान पर, टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सो का, पहला हो गया। दूसरा जो आपका टू आएगा उसके स्थान पर, टू के स्थान पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग होगा दैट का प्रयोग, ठीक। फिर समझ लीजिए एडवर्ब टू में क्या होता है, एक टू आता है इसके बाद भी एक टू आएगा, ऐसा फार आएगा, करेंगे क्या, जो टू है उसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे और जो टू है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कंफर्म है, आगे नंबर वन नंबर टू,
यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, इसमें होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया कि जिसकी सहायक क्रिया होगी इज ए आर, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और तीसरा नियम यह है कि यदि वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे, तो पास्ट टेंस में भी प्रोनाउन प्लस जहां कैन नॉट लगता था तो पास्ट टेंस में हो जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट का प्रयोग क्या करेंगे, करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक। प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग होगा, और पास्ट टेंस में रहेगा जैसे वाज वर आ जाएगा तो प्रोनाउन लिखेंगे, इसके बाद कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ऐसे बनाएंगे आप रिमोट टू का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। एग्जाम्पल एक बताएं, देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर आपको दे रहे हैं। जैसे हम लिख दें यहां पर रेखा इज टू पुअर, टू पे हर फी। अब यहां पर आप देख लो वाक्य आपको ऐसे ही देगा और यहां ब्रैकेट में लिख देगा आपको एडवर्ब टू, या लिख सकता है रिमूव टू, दोनों में से कोई लिख सकता है। तो आप इस वाक्य को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या बनेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है लिख देंगे आप यहां पर रेखा, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, इसके बाद कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। रेखा इसके बाद हो जाएगा आपका इस, टू के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, सो का, सो हो गया। पुअर, इस टू के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। इतना समझ में आ गया, रेखा इस, इसके स्थान पर सो, पुअर, दैट। अब यहां पर लिखेंगे क्या, प्रोनाउन, क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। तो रेखा का प्रोनाउन क्या होगा, तो रेखा का प्रोनाउन हो जाएगा सी, यानी जो फीमेल होता है तो फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस को किसे बदल देते हैं, कैन नॉट में, तो हो जाएगा सी कैन नॉट। अब जो बच गया उसको लिख देंगे पे हर फी, ये हो गया पे हर फी, ये बन गया आपका रेखा इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फी, और ये रेखा इज टू पुअर टू पे हर फी। क्या दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। तो इसी को कहेंगे हम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य को ग्रामेटिकल नियम से दूसरे ग्रामेटिकल नियम में इस प्रकार बदल दिया जाए कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसी को कहेंगे क्या हम, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम यहां से उसका हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक। इसको नोट बना लीजिए, फिर आपको एग्जांपल हम और देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे द पेशेंट, द पेशेंट वाज टू वीक टू सिट अप इन द बेड। ये सेंटेंस आपको देख रहे हैं, द पेशेंट वाज टू वीक टू सीट अप इन द बेड। अब इसको करना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, रिमूव टू का ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख लीजिए टू आया है, टू के बाद भी टू आया है, इसको क्या कहेंगे, रिमूव टू कहेंगे। इसको बनाएंगे, इसका बन जाएगा, इसका होगा द पेशेंट, द पेशेंट वाज
टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का। इसके बाद हो जाएगा वीक, इसके स्थान किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब हमें लिखना है दैट के बाद प्रोनाउन, तो पेशेंट है तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे आप, ये हो जाएगा आपका ही, चूंकि यह पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का, ये हो जाएगा आपका कुड नॉट। अब लिख देंगे सीट ऑफ इन द बेड, ये हो जाएगा सीट ऑफ इन द बेड। पेशेंट वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट सीट अप इन द बेड। ठीक, नेक्स्ट बढ़े। अब देखिए कुछ ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जिनका प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। ठीक है, चलिए उसको बताते हैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में। अगला एग्जाम्पल है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये, अब इसको बनाएंगे। देखिए क्या बनेगा, द न्यूज इज टू के स्थान पर सो, गुड इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब इसका लिखेंगे हम प्रोनाउन, तो नॉन लिविंग थिंग्स निजी वस्तु के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होगा, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो किसका प्रयोग हो जाएगा आपका, कैन Not be true। ये बन गया आपका the news is so good that it cannot be true। ठीक, और सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और सेंटेंस बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका द टी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहां पर भी देख लो टू के बाद टू आया है, रिमोट टू का प्रयोग है, इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, देखो द टी वाज टू के स्थान पर सो हॉट इसके स्थान पर दैट। अब इसका लिखेंगे प्रोनाउन, इसका भी प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। ठीक है, यह पास्ट टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, कुड नॉट ड्रिंक। अब दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, द टी वाज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका है द टी वाज सो हॉट दैट इट कुड नॉट ड्रिंक। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको पेश करते हैं, ही वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन। चलिए अब इसको साथ में बनाते हैं, क्या बनेगा देखिए, यह हो जाएगा आपका ही वाज, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, सो, इसके बाद हो जाएगा आपका लेट, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब प्रोनाउन लिख देंगे तो देखिए ही दिया है तो खुद ही प्रोनाउन है, इसका हो जाएगा ही, और यह वाज है तो किसे बदल देंगे, कुड नॉट। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। ठीक, ये हो गया आपका ही वाज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। कुछ नहीं करना है,
टू के स्थान पर सो का प्रयोग करो और एक दूसरा टू जो है उसके स्थान पर दैट का प्रयोग। इसके बाद प्रोनाउन प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट का प्रयोग करें। तो ये रहा पार्ट वन के द्वारा एडवर्ब टू का प्रयोग करके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव के द्वारा कैसे जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाता है। ठीक है, फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर एक टाइप्स का आपको वीडियो यहाँ से प्राप्त होगा, जिसमें आपको मिलेगा सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें आपको डिग्री भी मिलेगी, यानी मजमूर सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया 2। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।